हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन ब्लॉग टाइम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और सुबह हो गई है, 5 बज गए हैं, मैं उठ गई हूँ और बच्चे देखिए अभी तक सो रहे हैं, तो इनको मैं अभी थोड़ी देर बाद उठाऊँगी। पहले मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, तो मैं चलती हूँ किचन में हाथ मुँह धुल के। और चलिए बनाते हैं इनके लिए नाश्ता वगैरह, इन्हें स्कूल भेजना है। तो मैंने इनके लिए देखिए चटपटी वाली सिवैयाँ मैगी मसाला वगैरह डाल के बना ली हैं और चाय बना करके रेडी कर दी है। अब मैं बच्चों को उठा के रेडी करके स्कूल भेजती हूँ फटाफट से। और आज मेरे पड़ोस में एक पार्टी है, एंगेजमेंट पार्टी, तो मैं इसके लिए रेडी होती हूँ। और देखिए मैं पार्टी में पहुँच चुकी हूँ और कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइए। मुझे मेकअप वगैरह ज़्यादा नहीं आता, लेकिन हल्का फुल्का जैसा आता है वैसा किया है। और शाम का टाइम है, बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, लोग कर रहे हैं पार्टी में एंजॉय। और थोड़ी सी साथी डाल रही है, साड़ी पहनी है मैंने, ये सिल्क में साड़ी है। कैसे लग रही है मेरी साड़ी और मैं कैसे लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में बताइए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह हो चुकी है, 5 बज चुके हैं सुबह के और मैं उठ चुकी हूँ। देखिए मैंने 15 मिनट हो गए हैं कम से कम उठे हुए और मैंने शुरुआत कर दी है नाश्ते पानी की। तो मैंने अभी देखिए कढ़ाई में नमक डाल करके ये पीनट रोस्ट किया है और ये थोड़े से काजू और पिस्ता, पिस्ता थोड़े से सेल गए थे, तो पिस्ता तो वैसे ही भुने हुए ही आते हैं लेकिन थोड़े से सेल गए थे, इनको भी मैंने रोस्ट कर लिया है और काजू को भी रोस्ट कर लिया है। देखिए ये थोड़े से गर्म हो गए तो खाने में टेस्टी लगेंगे और पीनट जो भी इनको मैंने, तो ये जो है बच्चों के थोड़े से पेपर लगने के काम में आ जाएंगे। थोड़ा सर्दी सा मौसम होने लगा है और आँख में मेरी अभी तक देखिए काजल लगा हुआ है, फैल गया काजल। और रात में काफ़ी लेट सोए थे तो उसमें बड़ी दिक्कत हो रही थी आज, लेकिन चेहरा तो करता रहा है, सो नहीं पाया अच्छे से। तो इधर मैंने आलू रख दिए हैं उबलने कुकर में, अपने बच्चों के लिए आलू की कचौड़ी बना देती हूँ, उसके लिए नाश्ता बना लेते हैं बच्चों के लिए। देखिए गाइस, मैं बना रही हूँ पराठा आलू का और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों की वीडियो नहीं बना पाते क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पड़ती है, तो ये मैंने थोड़े से आलू के पराठे सेक लिए हैं। और बच्चों को टिफिन में भी आलू का पराठा दिया है और उसके साथ में मैंने दिया है मूंगफली के दाने वगैरह सब के। और ये बन गए मेरे पराठे, तो ये मैंने आलू के गर्मा गर्म पराठे बना लिए हैं। तो देखिए मूंगफली का छिलका मैंने ऐसे करके सारा निकाल दिया है, ये इस तरह से पीनट को रोस्ट करके और इसका छिलका जो है बड़ी आसानी से निकल जाता है और ये बच्चे खा लेते हैं अच्छे से। तो देखिए मैंने ज़रा सा बस हाथों से इस तरह से कर दिया और सारा इसका छिलका निकल गया। अब मैं इसको साफ करके बॉक्स में करके रख दूँगी। ये काफ़ी हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए सर्दियों में और हम लोगों को भी खाना चाहिए, कम से कम एक मुट्ठी मूंगफली का दाना डेली लेना चाहिए। क्योंकि सर्दियों में ना हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करते हैं मूंगफली के दाने। और बादाम है, काजू है, पिस्ता है, तो पीनट भी ज़रूर खाना चाहिए। तो मैं इनको साफ करके बॉक्स में भर के रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एकदम साफ़ हो गए हैं फिर जो पीनट के दाने हैं, इनको मैं इसमें बंद करके रख दूँगी। फ्रेंड देखिए मैं बनाने जा रही हूँ मेथी आलू की सब्ज़ी। ये मेथी आलू मैंने धो के काट लिए हैं और ये डाल रही हूँ मैं इसमें लहसुन, कुछ साबुत लहसुन डाल रही हूँ देखिए, और उसमें काफ़ी सारा लहसुन जाता है। ये कढ़ाई गर्म हो गई है, जीरा डाल दिया हमने
और ये मैंने डाल दिया लहसुन। बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है और मुझे तो बहुत पसंद है मेथी आलू, और सर्दियों में तो ये वैसे ही बहुत ही अच्छी लगती है पूरी पराठे के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ मेथी आलू। देखिए लहसुन जो है हल्का सुनहरा भुन चुका है और आज हम इसमें ये डाल देंगे। देखिए हम लोग पहुँच गए हैं मेले में, बस यहाँ पे काफ़ी उधर मचा रहे हैं, छोटा वाला बाबू है ये झूला है, ये जो जंपिंग वाला झूला होता है उसको बहुत पसंद है, तो उसमें झूला है तो मेले में घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए हमारे साथ मेला, हमारे यहाँ मेला लगता है, बस थोड़ा सा घूम ले रहे हैं, कितना इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पे बच्चों ने देखिए निशाना भी लगाया था, तो बंदूक से ये लगा रहे हैं बच्चे निशाना। काफ़ी सारा शोर हो रहा है, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। कितना निशाना लगा रहे हैं, बलून फोड़ रहे हैं और उन्होंने मेला घूमा देखिए, उन्होंने चश्मा घड़ी बहुत सारी चीज़ें खरीदी, खूब इंजॉय किया, झूले झूले दस ग्यारह को जो पापा खाएंगे। मेला काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा लगा मेले में घूमते। कुछ सारी चीज़ें लेके आई हूँ मैं किचन की। फ्रेंड देखिए मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्जी, और आज मैंने ये सूखी सब्जी बनाई है गोभी आलू की। देखिए और इधर मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ, तो फटाफट से रोटियाँ बना लेते हैं। और देखिए कल मैं मेला घूमने गई थी, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ। देखिए ये मैं लेके आई हूँ, उसमें से चॉपर, काफ़ी बड़ा वाला चॉपर है देखिए, और ये देखिए एक कढ़ाई जैसा ये बॉक्स है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको मैं लेके आई हूँ। और भी काफ़ी सारी चीज़ें लेके आई हूँ, देखिए ये कप, छोटी छोटी सी मटकियाँ वगैरह, तो इनको इनका भी मैंने एक वीडियो डाला है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी मैं मेले में, वो आप देखिए। गाइस देखिए आज ये दोनों घर पे हैं, और देखिए कैसे टीवी चला रहे हैं। ये हैं अभिनव और ये हैं कृष्णा, और देखिए टीवी चल रहे हैं, आप रोजनी टीवी देखेंगे। खाना लेके आऊँ तुम्हारे लिए? अभी नहीं, देखा अभी 12 बज गए और अभी खाना नहीं, लेके आऊँ? क्या खाओगे? और तुम क्या खाओगे? चावल।